Hello everyone, and you are watching the review of the new Toyota Glanza 2022 model. और ये टॉप मॉडल है वी मैनुअल, 9.5 लाख इसका प्राइस है एक शोरूम। और अगर आप लेने की सोच रहे हैं या बलिनो लेने की सोच रहे हैं तो मैं इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करूंगा कि क्या क्या इसकी खामियां हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयां हैं और इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। इसके इंजन के बारे में भी बात करेंगे और कॉम्पिटिशन के बारे में बात करेंगे कि आपको कॉम्पिटिशन में जो गाड़ियाँ मिल रही हैं वो कैसी हैं इसके मुकाबले। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए और लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट का जो डिज़ाइन है काफ़ी एलिगेंट और थोड़ा चेंज्ड है पुरानी ग्लांजा से। और फ्रंट में हमारे पास एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, उसके नीचे एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, नीचे जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी एलईडी हैं। और फॉग लैम्प्स एलईडी इसी मॉडल में आते हैं, बाकी मॉडल्स में नहीं आते। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी एलईडी टॉप के दो मॉडल्स में आते हैं, बाकी जो बेस के दो मॉडल हैं ई और एस उनमें हैलोजन आते हैं। ये कुछ कार्बन फाइबर से ट्रिम दे रखी है प्लास्टिक वाले बम्पर पे, तो ये बहुत अच्छी लगती है। फ्रंट में टोयोटा का लोगो, नीचे एक कैमरा भी है, इसके बारे में थोड़ी देर के बात करते हैं। फ्रंट का लुक थोड़ा एग्रेसिव आता है, अच्छा लगता है, i20 वगैरह से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और लिटिल साइड प्रोफाइल, अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें हमें 195/55 R16 के ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, सो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस डिज़ाइन में। विंग मिरर्स भी इसके बॉडी कलर्ड हैं, जिसके नीचे कैमरा दे रखा है, 360 कैमरा के लिए है वो। और इसी में हमें एक्सटीरियर व्यू मिरर्स मिलते हैं। डोर हैंडल्स में एक्सेस बटन मिलता है आपको दोनों साइड में, और क्रोम लाइनिंग भी है। एक्सेस बटन काफ़ी कम गाड़ियों में दोनों साइड में होता है, स्मार्ट एक्सेस कह देते हैं इसको कोई लोग। और रियर बैक रियर में चले तो ग्लांजा की बैजिंग और पिछला पुरानी जैसे सेम ही है थोड़ा सा। ऊपर एक स्पॉइलर दे रखा है और बीच में भी एक क्रोम की ट्रिम दे रखी है। नीचे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स हैं और यहाँ पे कैमरा है। एक बार इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, 318 लीटर का बूट स्पेस है इसका। i20 वगैरह से मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, ये डीप भी है, आप बड़े सूट के आराम से रख सकते हैं। इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है, उसका भी साइज़ सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको अगर आप स्पेयर व्हील भी यूज़ करते हैं तो भी। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो गाड़ी का वेट ऑलमोस्ट 950 किलो है और AMT वर्जन में 960 किलो के आसपास है। हल्की गाड़ी है पर इसकी 4-स्टार रेटिंग आई थी तो सेफ्टी के मामले में तो ठीक है। 6 एयरबैग्स भी हैं इसमें। अगर रिक्वेस्ट बटन दोनों साइड में, यहाँ पे भी कैमरा और वो दे रखा है। ओवरऑल एक्सटीरियर अच्छा लगता है, कोई खास चेंज नहीं है बॉडी शेप में, बट बम्पर्स में चेंज है तो काफ़ी अच्छा हो गया है। 360 कैमरा यहाँ पे भी है, 4 कैमरे हैं इसमें टोटल 360 डिग्री व्यू के लिए, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है ये अपने कॉम्पिटिशन से। अनलॉक करते हैं, अब इसके अंदर चल के देखते हैं। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो डोर से ही आपको पता चल जाएगा ड्यूल टोन इंटीरियर है बीच का। यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं, स्पीकर भी यहीं पे है, डोर के सारे फंक्शंस यहीं से कंट्रोल हो जाते हैं, रियर व्यू मिरर भी। एंड यहाँ पे आपके पास हेड्सअप डिस्प्ले के और ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन हैं, ऑटो ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप का बटन है। एंड कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है, इंटीरियर में बैठ के देखते हैं। सो अगर आप ऑन करेंगे बिना चाबी को पास रखे तो शायद ऑन नहीं हो रही थी, तो चाबी को अगर दोबारा पास रख के मैंने ऑन किया था तो ऑन हो गई थी। एंड कुछ ऐसा इसका डिस्प्ले है, डिजिटल आता है, डिजिटल सेंटर में ही आता है और साइड में हमारे पास नॉर्मल जो स्टैंडर्ड आता है वही है। हेड्सअप डिस्प्ले यहाँ से कंट्रोल होता है राइट साइड से, एंड ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, स्पीड वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आप एंटरटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, और हेड्सअप के लिए राइट साइड से ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं।
यहाँ पे ये ब्राइटनेस का बटन है, ब्राइटनेस आपने ज़्यादा कम करनी हो। वैसे कैमरे में आता नहीं, हल्का सा आ रहा है अगर आप देख सकें तो। सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें एवरेज वगैरह आ रही है 6,500 के आसपास, इसका रेडलाइन शुरू होती है। अच्छा इंजन है ये, मारुति का इंजन है, मारुति ही कार बना रही है। और राइट साइड से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आपने देखना है। क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन है, ये लेफ्ट साइड में आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल के लिए है। और अगर आपको मीटर में कुछ चेंज करना है तो यहीं पे दो नॉब्स दे रखे हैं, राइट और लेफ्ट में ऊपर, यहीं से जैसे लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे ट्रिप चेंज हो रही है, एंड राइट साइड ऊपर से फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज ड्राइविंग टाइम, कितनी देर चली हुई है अभी तक, क्लॉक अगर देख सकते हैं, मोशन, टॉर्क, पावर, एक्सेलरेशन, ब्रेक। तो जो आपको चीज़ चाहिए वो आ रही है, बट आजकल की गाड़ियों में ज़्यादा डिजिटल आने लग गया। i20 में डिजिटल आता है कम्प्लीटली, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। एंड वैसे ये भी बुरा नहीं है, कोई खामी नहीं है इसमें भी, बट पर्सनल प्रेफरेंस है, किसी को डिजिटल अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है। उसके अलावा सेंटर में जो स्क्रीन है उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है काफ़ी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह है इसमें, नेविगेशन भी है। Hi Panya, what can I do for you? टोयोटा के आई कनेक्ट के फीचर्स आ जाते हैं जिसमें आप फंक्शंस देख सकते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस है उसमें, फॉलो मी होम या नेविगेशन या फिर ये जो रियर व्यू मिरर दिया है इसमें, ये ऑटो दे रखा है तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑटो को, ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को काफ़ी, बाकी गाड़ियों में नहीं आता। वैसे ये टॉप मॉडल में ही है, एंड कैमरा ही दिख रहा है यहाँ से। ऑटो एक छोटा सा बटन लगा हुआ है नीचे। अगर मैं इसके ओवरऑल इंटीरियर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्लश इंटीरियर लगा मेरे को, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, बाकी कॉम्पिटिशन में मतलब टॉप मॉडल में तो लेदर आ जाता है बट इसमें फैब्रिक ही दे रखा है। बूस्टरिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, प्रीमियम फिनिश है बट लेदर फिनिश, लेदर ज़्यादा बेटर लगता, ग्लव बॉक्स छोटा सा ही है। ओवरऑल देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कैबिन भी खुला डुल्ला है, सामने हेडसेट डिस्प्ले है, इसको ऑफ कर देंगे। कैबिन स्पेशियस लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने इसको ऑफ करेंगे तो क्लॉक आ जाएगा। हैंड रेस्ट भी जो है वो भी सॉफ्ट टच है, वही लेदर है बस। और पावर विंडो के स्विच, पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, इसमें हमारे पास सनरूफ वगैरह नहीं आती है, एंड अगर आपने इंजन वगैरह ओपन करना तो यहाँ से ऑप्शन है, फ्यूल और इंजन बोनेट ओपन करने के लिए, इंजन ओपन नहीं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी एवरेज ऑलमोस्ट 22-23 के आसपास आती है सिटी ड्राइविंग में, 17-18। USB पोर्ट्स, ये आपका पावर आउटलेट, इसमें वायरलेस चार्जर भी नहीं आता, एंड मैनुअल हैंड ब्रेक, पीछे आपका हैंड रेस्ट है। टोयोटा की काफ़ी सिंपल सी लगी मेरे को, ह्यूंडई की i10 से ही काफ़ी अच्छी कीज आने लग गई हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे को चीप लगा, कॉस्ट कटिंग लगी इसमें मेरे को। एंड अब उसको ऑफ करके पीछे चलते हैं, पीछे बैक सीट में देखते हैं, अभी आगे वाली सीट काफ़ी पीछे कर रखी है तो देखते हैं कि पीछे जगह बचती है कि नहीं बचती। और ये सीट भी मैनुअली है तो कोई कंट्रोल नहीं है, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप इसमें बट मैनुअल कंट्रोल है इसके। पीछे अगर चलते हैं तो थोड़ी बहुत जगह बची हुई है, बैठ के देखते हैं। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फुट है बट साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। पीछे वाला कैबिन ठीक लग रहा है अभी तक तो, अगर हम बैठते हैं इसमें तो आगे का व्यू कुछ ऐसा आता है, और व्यू काफ़ी अच्छा है, कैबिन अच्छा है, मतलब एयरी सा कैबिन है, छोटा मोटा नहीं लगता, बीच कलर की वजह से खुला डुला लगता है। बैक सीटिंग में देख लो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इतनी ज़्यादा हाइट होने के बाद और साइज होने के बाद भी अच्छी फिटिंग है। पीछे आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता आपको, एंड ISO फिक्स चाइल्ड सीट मिल जाती है, बट सिंपल है, ज़्यादातर चीज़ें बेसिक हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह कम हैं।
पीछे पार्सल ट्रे, पीछे का भी कुछ ऐसा है। दो हेडरेस्ट हैं इसमें, तीसरा नहीं है, वो भी कम है। पीछे का विंडोज, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं। साइड में कर्टन एयरबैग्स हैं इसके, जी मॉडल में और वी मॉडल में। टॉप के जो दो मॉडल हैं उनमें 6 एयरबैग आते हैं, जो नीचे के दो हैं उसमें स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स ही आते हैं। तो सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर देने चाहिए वैसे तो। बट चलिए, अभी तक की आपको वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो नीचे पूछ सकते हैं। ओवरऑल मारुति ही बना रही है इसको, टोयोटा रिबेस करके बेच रही है, तो कोई खास फर्क नहीं है बलिनो और इसमें। बट आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? बलिनो इससे ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार सस्ती मिल जाती है, उस पर मारुति वाले थोड़े ऑफर्स वगैरह भी दे देते हैं। अब इसका इंजन में ओपन करके देखते हैं, इंजन में हमें क्या क्या मिलता है, मतलब कैसा इंजन भी है इसका। और 1200 cc का इंजन है, तो खोलने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर से अनलॉक करके आप कार यहाँ से इंजन भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, सो हियर इज द इंजन फॉर यू गाइस। 1200 cc का इंजन है, ऊपर पैडिंग भी हो रखी है। 1200 cc का इंजन है, इसकी ARAI माइलेज 22 के आसपास है, 22.35। और सिटी ड्राइविंग में कस्टमर रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग 17, 16, 18 इतनी दे देती है, हाईवे पे 22 से भी ऊपर चली जाती है। एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इसकी और साउंड भी काफ़ी कम है। हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूँ तो 88 हॉर्स पावर है ये, 114 Nm का टॉर्क है। अगर आपको एवरेज चाहिए, i20 में इतनी अच्छी एवरेज नहीं आती, तो आप बलिनो कंसिडर कर सकते हैं। i20 से वैसे इसका डिज़ाइन भी ज़्यादा अच्छा है, इंटीरियर का भी एक्सटीरियर का भी। बट क्वालिटी में मेरे को लगा कि अगर लेदर सीट्स होती और एक दो चीज़ों में जैसे की फॉब है वो थोड़ा अच्छा बना देते, या वायरलेस चार्जिंग दे देते, ऐसी चीज़ें होती तो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम बन जाती है कार। 10 लाख में भी नॉट बैड, एंड एवरेज वगैरह के हिसाब से काफ़ी अच्छी कार है। सिटी ड्राइविंग के लिए अगर आपको चाहिए तो आई वुड से कि AMT वर्जन में भी आप जा सकते हैं। ऑटोमेटिक में शायद 50-60 हज़ार का ही फर्क है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी। एंड एक बार इसके इंजन की भी आपको साउंड सुना देता हूँ। तो ये स्टार्ट किया है, आइडल पे है ये अभी, एंड आइडल पे कुछ ऐसी आवाज़ आती है इसकी। कोई नॉइजी इंजन नहीं है, अगर मैं इंजन भी बंद कर दूंगा तो बहुत ही कम हो जाती है। पहले डीजल इंजन आता था वो बंद कर दिया, 1250 cc का जो डीजल इंजन आता था, अब यही इंजन आता है इसमें। आपको कैसी लगी वीडियो ना नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स इसके यही है कि बिल्ड क्वालिटी हैवी नहीं है, सेफ्टी है इसकी अच्छी, 4 स्टार है, बट आजकल टाटा 5 स्टार दे रहा है हर गाड़ी में। तो टाटा की नेक्सॉन के बेस मॉडल भी आ जाते हैं इस प्राइस में, टाटा पंच के ऑलमोस्ट टॉप मॉडल भी आ जाते हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो। पर उनके जो इंजन्स हैं वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो इंजन और रिलायबिलिटी के मामले में तो टोयोटा और बलिनो का कोई मुकाबला नहीं है। प्लस टोयोटा का जो सबसे बड़ा प्रो है वो ग्लांजा में वो 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं, तो मारुति वाले इतनी वारंटी नहीं दे रहे हैं 1 लाख किलोमीटर की, और शायद 3 साल की वारंटी दे रहे हैं टोयोटा वाले। तो अगर आपकी रनिंग अच्छी है, आपको एक सेफ कार चाहिए और 6 एयरबैग हैं, अच्छी है टेक फीचर्स के साथ जैसे हेडसेप डिस्प्ले आता है वगैरह वगैरह, सो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कंपटीशन से तो मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है कार, क्योंकि रिफाइंड इंजन है, अच्छा स्मूथ इंजन है, रिलायबिलिटी अच्छी है, एंड सेफ्टी के लिए उन्होंने एयरबैग्स भी डाल दिए हैं और 4 स्टार रेटिंग भी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।